फॉलो मी ऑन इंस्टा। आपको ये सामने खड़ी हुई ट्रेन नजर आ रही है? तो गाइज, आज हम आपको लेके आए हैं एक बहुत ही मुनफरिद और डिफरेंट होटल के ऊपर। आपको ये सामने खड़ी हुई ट्रेन नज़र आ रही है? ये कोई ट्रेन नहीं है, ये एक रेस्टोरेंट है। आइए चलें, इसके अंदर चलते हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम है अटलांटिक एक्सप्रेस रेस्टोरेंट। चलें चलते हैं। मैं इस रेस्टोरेंट में 3 से 4 दफ़ा आ चुका हूँ। लास्ट टाइम 2020 में आया था। आप देख सकते हैं बाहर से कितनी नीट एंड क्लीन, बाकायदा ग्रीन कारपेट लगा के ट्रेन को रखा हुआ है यहाँ पे, और बहुत खूबसूरती से। ये कोई सिस्टर एक ट्रेडिशनल केप टाउन का डेजर्ट है जो कि कोकोनट फिनिश के साथ सर्व किया जाता है। सबसे अलग बात इन लोगों के मेन्यू की है, बहुत ही मिक्स एंड मैच मेन्यू होता है इनका, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मतलब जिस चीज़ का मूड हो आप वो खा लें। Chicken and mayonnaise. Yes, chicken. Or you can have chicken and mozzarella, which is this one. No. I want this one. What is this? That's a tandoori chicken skewer. Tandoori chicken skewer. Grilled chicken skewer. Okay. Masala. Okay. Served on a flatbread and a little bit of salad. And make it very well done. I'll definitely make it well done here. And the second thing what I order is? You're having a sandwich. You can either have the chicken mozzarella, which is basically slices of bread together, served with fries, with mayonnaise, and grilled chicken, and a nice, very nice little bit of spicy sauce. Just made it like I show you the picture. Yes. No need mozzarella. No need mozzarella. No. Just chicken. Just chicken and make it very well done. No problem. Okay. And your good name? My name is Fura. Fura. And you know I'm coming here for 5-6 times. You're joking. Yes. There was one guy before you were here. The tall one? Yes, the tall one. He's not this one. No, the owner. Shoket. Yeah, Shoket. And that must be a few years back? It's like 2 years ago. Oh, wow. Where is he now? Shoket is actually left now. Left? Yes. Okay. So now we're under new management. Oh, wow. So even like our plating is a little different, but very good. Okay. You're definitely going to enjoy yourself. Let me experience this time. Yes. Without Shoket. Yeah, without Shoket. No problem. I'll put your food salon. Okay, no problem. Take care. The sugar is not added, huh? But it is actually naturally sweet. Yes, naturally sweet. Thank you. जब से इन लोगों को मैंने ये बताया कि मैं ओल्ड मैनेजमेंट को जानता हूँ, तो बेचारे कुछ डरे सहमे से हो गए। फिर साथ ही मैंने रिक्वेस्ट करी कि मैं आपका किचन देखना चाहता हूँ, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, तो इनकी ओनर राज़ी हो गई। और ये रहा इनका किचन, जो कि इसी ट्रेन बकेट के अंदर था। एंड आई वॉज रियली वेरी अमेज कि इतनी छोटी सी जगह पर कैसा बेहतरीन तरीके से उन्होंने मैनेज किया हुआ है। पूरा स्टाफ जो था, दे वर प्रॉपरली वेयरिंग ग्लव्स, हैट एंड एवरीथिंग, एंड आई थिंक विच इज़ वेरी मच मैंडेटरी फॉर अ गुड कुकिंग स्टैंडर्ड। और बहुत अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करके इन्होंने रखा हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा क्लीन था, आई वॉज इवन नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। This is? And that's the tandoori chicken skewer. Tandoori chicken skewer. Yes, grilled chicken. Okay. And this one? So that's our chicken mayo sandwich actually. Okay. So we chipped. And the chicken nicely, is nicely toasted. And where is the chicken? It's in there. Okay. Okay. तो ये रहा जनाब हमारा खाना। और इस खाने की वीडियो बनाते हुए भी ये लोग मुझे ही देख रहे थे कि मैं खाने की वीडियो क्यों बना रहा हूँ। ये देखा आपने, बेचारी फिक्रमंद हो रही थी बार बार कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो एंड में मैंने बता ही दिया कि मैं फूड व्लॉगर हूँ। अब बहुत बातें हो गई, हम खाना टेस्ट करके आपको बताते हैं कि वाकई में खाना कैसा था।
मजेदार मजेदार। बड़े मज़े का और यूनिक सा एम्बियंस है इस रेस्टोरेंट का। बाहर बैठे हुए लोग आपको देखते हुए जाते हैं, अंदर बैठ के आप बाहर देख सकते हैं। छोटी छोटी सी क्यूबिकल्स बने हुए हैं जिसमें बैठ के आप अकेले सोलो या फैमिली के साथ खाना खा सकते हैं। सामने आपको किचन भी नज़र आ रहा है, यहाँ से काफ़ी छोटा किचन नज़र आ रहा है लेकिन काफ़ी नॉमिनल स्पेस पे बना हुआ है। और ये देखें, बाहर जाते हुए लोग आपको देख के खुश हो रहे होते हैं, आप उनको देख रहे होते हैं। इट्स वेरी यूनिक एंड गुड एक्सपीरियंस। आपको पता है अगर इंस्टा पे आपके 2 लाख सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स हों तो क्या होता है? ये मंजर होता है। मजाक एक तरफ, मैं जब इतनी वीडियोस बना रहा था तो इनकी ओनर मेरे पास को चल के आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि सर इज़ देयर एवरीथिंग फाइन, सब ठीक है, टेस्ट सही था। तो उनको मैंने बताया कि मैं एक ट्रैवल और फूड व्लॉगर हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि सर हमारी एक वॉल ऑफ फेम है, जो अच्छे कस्टमर्स हमें विजिट करते हैं और जो केप टाउन से बाहर से आते हैं लोग, उनके साथ हम एक पिक्चर खिंचवाते हैं, एक पिक्चर अपने पास रखते हैं और एक पिक्चर अपने अटलांटिक एक्सप्रेस के गोल्डन टिकट पर लगा के अपने कस्टमर को प्रेजेंट करते हैं। और मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा जेस्चर है और बहुत अच्छी टाई इन टेक्निक है कि आप कस्टमर को अपने साथ बांध के रखें। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि किस तरीके से इन्होंने मुझे गोल्डन टिकट दिया और आई थिंक आई मस्ट अप्रिशिएट देम। और अ बिग थम्स अप फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द अटलांटिक एक्सप्रेस। Perfect. Yes. So I'll print this for you. I must hire you. You must hire me.